ये तो आप सभी जानते हैं कि पनीर का इस्तेमाल सब्जी बनाने के साथ साथ सलाद में भी किया जाता है। टोफू पनीर के समान होता है, हालांकि ये दिखने और स्वाद में एक जैसा होता है, फिर भी इसमें कुछ अंतर है। मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पनीर दूध से प्राप्त होता है, वहीं टोफू सोया दूध से प्राप्त होता है। ऐसे कई वीगन्स हैं जो पशु आधारित उत्पादों से परहेज करते हैं और सोया दूध, मूंगफली का दूध आदि जैसे पौधों पर आधारित विकल्प चुनते हैं। आज हम बात करेंगे टोफू के बारे में और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। टोफू का उपयोग थाई, चीनी और अन्य व्यंजनों में किया जाता है। यहाँ टोफू के 5 स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं। एक शोध अध्ययन किया गया था जहाँ मधुमेह से पीड़ित कुछ रोगियों को टोफू दिया गया था और कुछ को नहीं। जिन लोगों ने 6 सप्ताह तक टोफू खाया, उनमें ब्लड शुगर का स्तर उन लोगों की तुलना में कम था जिन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि अधिक शोध की आवश्यकता है। टोफू मधुमेह के लिए अच्छा माना जाता है। टोफू हृदय संबंधी बीमारियों की संभावना को कम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर को कम करने में भी मदद करता है और रक्तचाप को भी सामान्य सीमा तक कम कर सकता है। टोफू के नियमित सेवन को पेट, कोलन आदि जैसे कुछ कैंसर की रोकथाम से जोड़ा जाता है। एक शोध अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं टोफू खाती है, उनमें स्तन कैंसर से पीड़ित होने की संभावना कम होती है। लड़कियों को 11 से 14 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। उन्हें 40-50 वर्ष की उम्र तक मासिक धर्म होता रहता है, जिसके बाद कईयों को यह बंद हो जाता है। मासिक धर्म के दौरान कई महिलाओं को मूड में बदलाव का अनुभव होता है। उन्हें थकान का भी अनुभव होता है। टोफू खाने से शरीर मजबूत रहता है और इन लक्षणों से लड़ा जा सकता है। टोफू वजन घटाने में भी मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टोफू फाइबर से भरपूर है, ये कोलेस्ट्रॉल मुक्त है, प्रोटीन में उच्च है और कैलोरी में कम है। कैंटीन का खाना खाने या तला भुना खाना खाने के बजाय टोफू खाना शुरू कर दें।